स्कूली बच्चों के लिए हरियाणा सरकार की ओर से अहम फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि जिन स्कूलों में 20 से भी कम बच्चे हैं उन्हें मर्ज किया जाएगा। अगर उन्हें पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे बच्चे आराम से वहां पहुंच जाएं। और अगर बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो हम दोबारा उन स्कूलों को खोल देंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी 100 के करीब स्कूल बंद किए थे, लेकिन जहां ज्यादा बच्चे दाखिल हुए उन्हें दोबारा खोल दिया गया था। कि हमने एक निर्णय लिया कि जहां 20 से भी कम बच्चे हैं उन स्कूलों को मर्ज करने का निर्णय कोई अब नहीं, हमने पहले ही ले रखा है इस प्रकार से। अब भी हमारा यही है कि जहां 20 से कम बच्चे हैं और अगर उनको दूर जाना पड़ता है तो उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हम करके देंगे ताकि बच्चे आराम से वहाँ पहुँच जाए। और जहाँ एडमिशन ज़्यादा हो जाते हैं उसके बाद 20 से ज़्यादा बढ़ते हैं तो हम दोबारा खोल देते हैं स्कूल। हमने पहले भी जो 100 के करीब स्कूल बंद किए थे उनमें से 66 के करीब, अब तो 66 से भी ज़्यादा होंगे, पुराना आंकड़ा मैं दर आपको, 66 के करीब ऐसे स्कूल हैं जो बच्चे है गए तो हमने दोबारा से खोल दिए स्कूल। तो 20 से कम बच्चों पर मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा एक दो अध्यापक देना थोड़ा मैं समझता हूँ कि मुश्किल सा होता है। तो हमने यही निर्णय लिया कि अगर स्कूल में बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तो हम दोबारा स्कूल खोल देते हैं।